चलिए दोस्तों, बातचीत की जाए अब अपनी ऑडिटिंग की डेफिनेशन की। माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो पिछले सेशन में पूरा का पूरा एग्जाम्पल किया दोस्तों, उसमें आपको हर वो चीज एक्चुअली पहले से बता दी गई है जो अब हम यहां पढ़ने वाले हैं। हमने उसको इतने अच्छे तरीके से कवर किया है चीजों को कि आपको वही सब बातें यहां पर डेफिनेशन में, मीनिंग में सब जगह आगे नजर आएंगी। तो जरा सोचो, हमने बातचीत के दौरान क्या क्या सीखा था, उसमें क्या क्या सोचा था कि भाई बेसिकली है क्या, कंपनी के या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को हमने ऑडिट करना है वो हमारे सामने आएंगे। जो ऑडिटर है वो उन सबका एग्जामिनेशन करेगा, राइट फ्रॉम द वाउचर, जर्नल एंट्रीज देखेगा, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अप टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस केवल इतना है भैया, जहां ट्रांजैक्शन शुरू हुई, जब वो ट्रांजैक्शन शुरू होती है, उस ट्रांजैक्शन के शुरू होने के बाद उसके एंड तक क्या उसका इंपैक्ट जो भी आ रहा है, क्या वो जो रिकॉर्ड की गई है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, इज दैट सो और नॉट। यही अकाउंटिंग का भी मकसद था कि भाई हम जो भी ट्रांजैक्शन करें उसको अच्छी तरह से रिकॉर्ड करें, उसका इंपैक्ट एंड तक प्रॉपरली दिखाएं। अब वो प्रॉपरली दिखाया गया या नहीं किया गया वो काम, उसका एग्जामिनेशन ऑडिटिंग में होगा, इसीलिए अकाउंटिंग का और ऑडिटिंग का रिलेशन होता है। सो अब हमारे सामने डेफिनेशंस हैं और हम बातचीत करेंगे लॉरेंस और डिक्सी, जिन्होंने ऑडिट की डेफिनेशन दी। क्या कहा उन्होंने? एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बिल्कुल है, और मैं तो कहूंगा कि एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है, सिस्टम से होता है, अंडरटेकन विद अ व्यू टू एस्टैब्लिशिंग व्हाट, क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हो कि भाई जो भी काम ट्रांजैक्शन में किया गया वो करेक्टली और कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं, वेदर दे करेक्टली एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजैक्शंस टू विच दे पर्पस टू रिलेट, यानी जिस पर्पस से वो की गई ट्रांजैक्शन, जिससे उसका रिलेशन है, क्या उसको एग्जैक्टली वहां पर बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड भी किया गया या नहीं किया गया। दिस इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट, और यही ऑडिट में किया जाता है। जो बहुत ही ज्यादा डेफिनेशन मशहूर हुई दोस्तों, वो थी स्पाइसर और पेगलर की, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। थोड़ी सी डिटेल्ड डेफिनेशन है, बहुत सारी चीजों को कवर किया गया इसमें, आइए पढ़ें। तो स्पाइसर और पेगलर ने कहा कि भैया ऐसा है, क्योंकि अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन के बाद सबसे पहला स्टेप वाउचर का आता है, तो भैया वाउचर का भी एग्जामिनेशन होगा, वाउचर से चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट में जाती हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट का भी एग्जामिनेशन होगा। यानी यहां पर न सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की गई, बल्कि यहां पर वाउचर्स की भी बात की गई कि उनका भी एग्जामिनेशन होगा। सो ऑडिट क्या है? सच एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ अ बिजनेस। वाउचर को भी यहां पर इंक्लूड कर लिया उसने, और फिर कहा गया कि ये सब चीजें इस तरीके से अकाउंट्स बनाए गए हैं कि ऑडिटर अपने आप को यहां से सेटिस्फाई कर सके। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर जो है फुल्ली सेटिस्फाइड है तभी क्लीन रिपोर्ट देगा, और अगर वो पार्शली सेटिस्फाइड है तो वो क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। तो उसे अपने आप को बेसिकली सेटिस्फाई करना है कि जो भी काम हो रहा हुआ है अकाउंट्स के अंदर वो बिल्कुल करेक्ट हुआ है। सो अल्टीमेटली ये वो अकाउंट्स हैं, ये वो वाउचर्स हैं जिनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, और एग्जामिनेशन करने के बाद ही ऑडिटर विल बी एबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, इसीलिए वर्ड्स लिखे गए हैं, एज विल इनेबल द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट कि भैया अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली ड्रॉ किया गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आ रही है, यहां वर्ड यूज किए गए कि बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप, और बैलेंस शीट अगर प्रॉपरली ड्रॉ की गई तो बैलेंस शीट को ड्रॉ करने का मकसद क्या था दोस्तों? हमने क्या सोचा था आपको याद करना होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बैलेंस शीट को ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना है, किसका? फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस का। सो बैलेंस शीट इस तरीके से ड्रॉ की गई है सो एज टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस, यही बात हमने की थी। और फिर उससे जस्ट पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात की थी कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू किसका दे? प्रॉफिट या लॉस का, जो भी हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, भैया हमें उसका ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा। क्या वो दे रहे हैं, क्या अकाउंट इस तरीके से बनाए गए हैं? दिस इज व्हाट इज टू बी डन टू सेटिस्फाई एन ऑडिटर। तो वो अपने एग्जामिनेशन यही चीज के लिए कर रहा है,
and whether the profit and loss account gives a true and fair view of the profit or loss for the financial period or not, इसी चीज से उसने अपने आप को सेटिस्फाई करना है। अब सेटिस्फैक्शन कैसे होगी भैया? जैसी इंफॉर्मेशन उसे मिलेगी, जैसे वाउचर्स, जैसे उसके सपोर्टिंग वाउचर ये सब मिलेंगे, उसी के बेसिस पर वो डिसाइड करता है। दिस इज व्हाट इज द इंफॉर्मेशन विच ही गेट्स, यही वो डॉक्यूमेंट है, यही वो बुक्स है जो कि उसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और कई बार क्या होता है, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होती है, तो कई बार वो वर्बल एक्सप्लेनेशन भी लेता है और फिर जरूरत पड़े तो उसको लिखवा भी लेता है। सो एंड अब क्या, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवेन टू हिम, ये एक्सप्लेनेशन देगा कौन मेरे भाई? एक्सप्लेनेशन देंगे कंपनी वाले या उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिनके वो अकाउंट्स की ऑडिट कर रहा है, एंड एज शोन बाय बुक्स, एंड इफ नॉट इन व्हाट रिस्पेक्ट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। यानी दोनों बातें हैं, पहली बार बताएगा जी मैं सेटिस्फाइड हूं तो फुल्ली सेटिस्फाइड क्लीन रिपोर्ट, और अगर वो नहीं है तो ये भी बताएगा कि आखिरकार वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वालिफाइड रिपोर्ट देते समय जब वो कहेगा आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड, तो भैया अपने वो सवालिया निशान भी लगा देगा, क्वेश्चन मार्क भी लगा देगा, भैया इसकी इंफॉर्मेशन क्या है जो आपने मुझे दी, मैं उससे तो सेटिस्फाई हुआ नहीं, मुझे इसकी डिटेल दे दो। सो व्हाट ही विल हैव टू डू, वो कहेगा कि भैया अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूं, वो उस चीज को इंफॉर्मेशन को वहां डाल देगा। राइट अब मेरे भाई जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही तो ऑडिटर बनते हैं, ठीक बात है कि नहीं? हालांकि डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे एक ऑडिटर की कि कौन ऑडिटर बन सकता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, डिसक्वालिफिकेशन क्या हो सकती हैं, उसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं सब चीजें, दैट इज आई एम टेलिंग यू कि भाई खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा इसे, और वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, जिसके पेपर देके, जिसकी बताई गई ट्रेनिंग्स को करके वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, मेरे भाई वो भी तो ऑडिट के बारे में कुछ कहता होगा कि ऑडिटिंग क्या चीज है। आइए देखें कि आईसीआई इस ऑडिटिंग को कैसे डिफाइन करता है। तो ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है दोस्तों, कितनी बढ़िया बात है दोस्तों। मैंने आपसे कहा था कि ऑडिटिंग इज डन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन, बोलो हाँ या ना? यस। तो मेरे भाई इसका मतलब तो हुआ कि ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जो है, ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि इंडिपेंडेंट पर्सन है, और क्या, अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट कैसे होता? और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि स्पाइसर एंड पेगलर और उससे डिक्सी की जो दोनों ही डेफिनेशन थी, वहां पर बार बार दोनों बार एक ही चीज आई, एग्जामिनेशन। और मैंने कहा भैया ये तो सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई? बिकॉज हम ऐसे नहीं रैंडमली नहीं कर लेते भैया, कुछ भी कर लो, कैसे भी ऑडिट कर लो, भैया एक सिस्टम है, इस तरीके से ऑडिट होती है, उसके पूरे के पूरे फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं पूरे प्रोसेस के, कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, उसके प्रॉपर पेपर्स होते हैं कि पहला स्टेप आपने ये लेना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, तभी आप एक तरीके से बढ़िया तरीके से सिस्टमैटिकली इसको ऑडिट कर पाएंगे। तो एक सिस्टमैटिक ऑडिट भी है और दूसरा ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन भी है। सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? हर वो डेटा जो कि कंपनी के लोगों ने इसे दिया, हर वो स्टेटमेंट जो कंपनी के लोगों ने इसे दिया, जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कर रहे हैं, हर वो रिकॉर्ड, हर वो ऑपरेशन, हर वो परफॉर्मेंस जिसकी भी वो ऑडिट कर रहा है, हर वो वाउचर जो भी उसे दिया गया, जैसे डेटा है, ये इंफॉर्मेशन है, कैसे दोगे आप? लिखित में दोगे, और जिस चीज से वो रिलेटेड है वो उसी जगह उन्होंने लिखी होगी भाई। जैसे कि वाउचर है तो वाउचर देंगे, वो कहेंगे जी भाई कैश की दिखाओ हमें, ट्रांजैक्शन कैसे हुई, लो जी भाई साहब कैश बुक ले लो, अच्छा मुझे ना उधार की जितनी परचेज है वो सारी लेके आओ, तो ठीक है जी ये लो परचेज बुक ले लो, हम परचेज बुक बनाते हैं, सारी उधार की जितनी गुड्स परचेज की होती है वो इसमें लिखी है, आप ले लो। सो ये है वो डेटा, ये है वो इंफॉर्मेशन जो कि उसे बताया गया, तो उसी के अनुसार उसका पर्पस रिजॉल्व भी होता है, राइट? सो जिस पर्पस के लिए एंटरप्राइज ने उसे ऑडिटर बनाया है कि जी आप हमारी अकाउंट्स की ऑडिट कर रहे हो या टैक्स की ऑडिट कर रहे हो या कॉस्ट ऑडिट कर रहे हो, तो जिस तरह की ऑडिट होगी वैसा ही वो डेटा भी डिमांड करेगा, राइट? तो ये जो डेटा उसने डिमांड किया, उसे जो मिला, उसके बेसिस पर सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन हुआ, राइट? अब बेसिकली जरा सोचो कि आज अगर मैं मुझे कहा जाए जी बताओ ये सब काम सही हुआ या नहीं हुआ, आपने रिपोर्ट देनी है जी, तो मैं क्या कहूंगा? ठीक है भैया मैंने रिपोर्ट लिखनी है इसकी, मैंने अपना इस पर रिजल्ट बताना है, तो मेरे सामने ये सब लेके आओ सामान,
ये डेटा लेके आओ, ये इंफॉर्मेशन लेके आओ। अब मेरे लिए किसी भी ट्रांजैक्शन को ये कहना कि ये सही है, जो अकाउंटिंग एंट्री की गई है वो सही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रही है वो भी सही है, उसके लिए मुझे उसकी जड़ तक पहुंचना है। उसकी जड़ है उसका एविडेंस। क्या सबूत है कि आपने मिसलेनियस एक्सपेंस 1,00,000 रुपए के किए? क्योंकि मिसलेनियस एक्सपेंस ऐसी चीजें होती हैं जिसके पीछे मिसलेनियस वर्ड डाल दिया, पता नहीं किस किस के हैं। अब मिसलेनियस एक्सपेंस आपने अगर डाल दिया और मान लो बहुत बड़ा अमाउंट डाल दिया, तो मुझे इसका प्रूफ दो भैया, मुझे उसका एविडेंस निकाल के दो, आपने कहां कहां खर्चा किया, मैं तभी इस ट्रांजैक्शन को ओके करूंगा। वो कहेंगे जी देखो जी हमारे पास ये बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको हमने वेजेस देनी होती है छोटी मोटी एक आध दिन की, तो एक या तो हमारे परमानेंटली काम करें तो सैलरी दे दें, वेजेस है तो भैया वेजेस में डालो, मिसलेनियस एक्सपेंस में तुमने क्यों डाला? अगर आपकी टेम्पोरेरी लेबर भी है तो भी वो वेजेस में जाना चाहिए। अच्छा प्रूफ करो जी, प्रूफ दो जी इसका। वो कहेंगे देखो जी वेजेस के छोटे छोटे बिल्स हैं, ये हमने उससे वाउचर साइन कराए हुए हैं, तो ठीक है इसको वेजेस में डालो, इसको अलग करो, मिसलेनियस एक्सपेंस है। तो देख रहे हो आपकी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंट से जुड़ी चीजें निकालेगा कि आपने गलत किया हुआ है। अब यहां पर एक एरर निकल आया, जैसे हम कहते हैं ना एरर का रेक्टिफिकेशन किया जाए, तो यहां पर भी उसको रेक्टिफाई किया जाएगा कि गलत चीजों को यहां से हटाओ। तो उसी तरह से कई तरह की चीजें आएंगी, फ्रॉड भी निकल सकते हैं यहां से, अमाउंट्स निकाल लो तो पता लगा जी मिसलेनियस एक्सपेंस डाल रखा है लेकिन ये नहीं पता कि वो गया कहां, कैश माइनस कर दिया, कैश माइनस कर दिया मिसलेनियस एक्सपेंस से, यानी कैश बिजनेस में से चला गया, बट वो कहां गया भैया प्रूफ तो दो, इतना बड़ा अमाउंट कैसे जा सकता है और किस में जा सकता है, कोई उसके पीछे उसका सिर पैर नहीं है बचे हुए अमाउंट का, क्या करोगे? यहीं पर वो बोलेगा जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, करेक्ट। सो यहां पर बेसिकली इस सिचुएशन में ऑडिटर को परसीव करना होता है, उसको रिकग्नाइज करनी होती है वो प्रोपोजिशन जो उसके सामने रखी गई, किस काम के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। सबका एग्जामिनेशन ही कर रहा है वो, उसके एविडेंस कलेक्ट करता है, लाओ जी लाओ एविडेंस दो, उन्होंने कहा देखो जी वेजेस की स्लिप ले लो, ये एविडेंस आ गया, फिर वो उसको इवेल्युएट करता है कि हाँ ये ठीक है लेकिन ये यहां नहीं आना चाहिए, वेजेस में आना चाहिए। फिर वो कहेगा जी बाकी के मिसलेनियस एक्सपेंस कहां दिखाए आपने, इसका कुछ बताओ कहां कहां खर्चे किए, उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो कहेगा ठीक है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, इवैल्यूएशन के बाद उसने नहीं बोला। सो तीनों बातें कवर हो गई, एग्जामिनेशन करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा और इवैल्यूएट करेगा, ऑन दिस बेसिस ही फॉर्मुलेट्स हिज जजमेंट। जजमेंट क्या फॉर्मुलेट की, कुछ हिस्से को बोला जी इसको वेजेस में डालो, बाकी को बोला आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, मुझे आप रीजनिंग दो इसकी कहां गया, इसका प्रूफ दो। तो उसने जजमेंट कर लिया अपने इसी के बेसिस पर, और यही बात वो फिर कहां लिखेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, विच इज कम्युनिकेटेड बाय हिम थ्रू हिज ऑडिट रिपोर्ट। लिखेगा जी मुझे मिसलेनियस एक्सपेंस का समझ ही नहीं आया जी, इन्होंने मुझे कोई ढंग का जवाब ही नहीं दिया, कोई प्रूफ ही नहीं दिखाया, इसीलिए क्वालिफाइड रिपोर्ट लिख दी मैंने। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग गिवन बाय आईसीआई, राइट। और जब इन सारी डेफिनेशंस की आप बातें करते हो ना दोस्तों, हैं तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशन लेकिन सब में सिमिलैरिटी बहुत है, और यहीं से हम ऑडिट का मीनिंग भी निकालेंगे, इन्हीं डेफिनेशन से छोटी छोटी बातें इकट्ठी करके जो सब में कॉमन है। जैसे सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन तीनों में नजर आया, एग्जामिनेशन तो नजर आया सब में, सिस्टमैटिक और लगा लो, सभी में वो रिपोर्ट कर रहे हैं, सभी में वो अकाउंट्स को देख रहे हैं, तो वो बेसिकली एक तरह से मीनिंग जनरेट हो जाएगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस। सो द मीनिंग ऑफ एन ऑडिट ये पढ़ने वाले हैं। पहली बात कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ये एक इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ऐसे जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रहे हैं तो हम उसके वाउचर वगैरह को सब बीच में ही ले लेते हैं, और ये जो किया जा रहा है काम, ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा किया जा रहा है जो कि क्वालिफाइड है। मैंने आपको बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही किया जाता है ऑडिट, तो यानी वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन तो होना ही चाहिए। एग्जाम्पल दिया था मैंने कंपनी का आपको, कंपनी ने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या कर रखा था, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने, और आने वाले कई लेक्चर में उसी एग्जाम्पल का बार बार रेफरेंस दूंगा मैं आपको। तो उसने क्या किया हुआ था, उसने क्या किया था, कंपनी ने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपना इंप्लॉय बना रखा था, लेकिन मैंने क्या कहा, इनमें से कोई भी व्यक्ति ऑडिट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑडिट जो है जिसकी रिपोर्ट जानी है भैया, ये तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा की जाती है और ये तो सारे उनके इंप्लॉयज हैं। तो इसीलिए कहा कि एक तो वो पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए, ऊपर से वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दोनों बातें।
सो ये दो आपने मीनिंग देख लिए, मीनिंग के दो पार्ट्स देख लिए. दूसरी बात, ये कैसे करोगे आप? एग्जामिनेशन तो करोगे लेकिन कैसे करोगे? वाउचर हैं, डॉक्यूमेंट हैं और आपके अकाउंट्स हैं, सबको लेकर के करोगे. सो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट्स. उसके बाद ही तो आप ये कर पाते हो. बिल्कुल ठीक बात है जी, आगे चलते हैं. और ये जब सब हो जाता है, क्योंकि हर साल के लिए काम करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए करते हैं, उस फाइनेंशियल पीरियड में अगर वो सेटिस्फाइड है तभी वो क्लीन रिपोर्ट देगा. तो वो क्या करेगा, उसका मकसद ये होना होता है हर ट्रांजैक्शन को सेटिस्फाई अपने आप को करना कि हाँ ये ठीक की हुई है, ये काम ठीक किया हुआ है, ताकि वो एंड में क्लीन रिपोर्ट दे पाए. सो उसका मकसद यहां पर यह है कि ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि भैया जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो ऑथेंटिकेटेड है, ऑथेंटिसिटी है उनमें. ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल सही किए गए हैं, इसके पीछे रीजनिंग है, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो भी काम किया वो सही किया गया. सो दोस्तों ये आपने अगर मीनिंग यहां से निकाला तो डेफिनेशन में भी आपने यही पढ़ा था. सभी डेफिनेशन का जो सार है, जो उसका क्रक्स है, वो यही है. सो ये सेशन दोस्तों हमने जो फिनिश किया मीनिंग और डेफिनेशन का था, हमने ये तीन डेफिनेशन पढ़ी, राइट. उसके बाद हमने वहीं से उसका मीनिंग भी ड्रॉ किया. आप ये सारी डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, मीनिंग को समझ लीजिए, ये आपके एग्जामिनेशन में चीजें पूछी जाती हैं दोस्तों. अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी और वो सिलसिला हमारा जारी रहेगा, उसी एग्जाम्पल को लेकर के हम आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स को करेंगे. और अगले सेशन में जाने से पहले इसे पढ़ लीजिएगा, मिलेंगे अगले सेशन में. बाय बाय.